अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शान अफरीदी, एक बार फिर आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूं। ये हायर का वॉशिंग मशीन है, इन्वर्टर है, 14 केजी हायर का वॉशिंग मशीन है। ये अभी मैं ऑन कर देता हूं, इसको एक एरर दे रहा है, ये देखे मैंने ऑन कर दिया, ये अभी एक एरर देगा। ये एरर किस तरह ठीक करना होगा, हमारे साथ रहिए इसको वीडियो को देखे आखिर तक, ताकि आप लोगों को समझ जा सके कि क्या चीज़ें इसमें ख़राब है और क्या रिपेयर करना है इसमें। अभी ये एरर देगा, अभी कुछ मिनट बाद ये एरर देगा। ये देखिए अब ये डायरेक्ट 39 पे आ गया, इसने कुछ भी नहीं किया। ये देखिए FC एरर दे दिया इसने। ये FC किस तरह रिपेयर करना है ये मैं सारा इस वीडियो में बताऊंगा आप लोगों के लिए। हमारे साथ रहिए, और जो न्यू व्यूअर है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको आसानी महसूल हो सके। देखिए मैं एक बार फिर आप लोगों को दिखाता हूँ ये एरर। ये देखिए मैंने ऑन कर दिया, स्टार्ट दबा दिया, ये अभी फिर यही एरर देगा। और ये हम किस तरह रिपेयर करेंगे मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। ये FC अभी देखिए ये फिर आएगा, यही एरर। अगर आप लोग इसमें स्पेन सेलेक्ट करेंगे, वॉश सेलेक्ट करें, जो भी सेलेक्ट करेंगे, ये ही एरर देगा। FC यही एक एरर देगा, और ये एरर अभी मैं रिपेयर करूंगा, आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरह ये मसला हल होगा। तो हमारे साथ रहिए, अभी मैं दिखा देता हूं अभी सारा का सारा। अच्छा जी, मैं इसका स्विच अभी ऑफ कर देता हूं, और अभी मैं स्विच रिमूव कर दिया, अभी आप लोगों को दिखाता हूं। ये मैंने इसका PC बोर्ड निकाला हुआ है पहले से, ताकि आप लोगों का ज़्यादा टाइम ना ले सकूँ। ये PC बोर्ड मैंने सारा का सारा चेक कर दिया, ये देखे मैंने पहले से भी ये चेक कर दिया है, लेकिन इसमें कोई मसला नज़र नहीं आया। इसके ऊपर वाले PC बोर्ड भी मैंने चेक कर दिया, ये नीचे लगा होता है, ये PC बोर्ड इसके अंदर लगा होता है, तो मैंने ऊपर वाला PC बोर्ड भी चेक किया है, ये वाला PC बोर्ड भी चेक कर दिया, ये ठीक है। ये देखे ये PC बोर्ड मैंने चेक किया, ये भी बिल्कुल ठीक है। ये देखे इसमें सब कुछ ठीक है, इसका जैक वगैरह मैंने चेक कर दिया, कोई जंग वगैरह भी नहीं लगा। इस तरह ये चेक करना है पहले, ये चेक करने के बाद में नीचे जाते हैं, नीचे वाले बोर्ड में। देखिए व्यूअर, ये अभी मैंने सारा का सारा चेक कर दिया, ये इसमें मसला बिल्कुल नहीं है। अभी मैं इसको वापस बंद कर देता हूँ, हम नीचे वाले PC बोर्ड की तरफ जाएंगे। ये वाला PC बोर्ड जो है ना, ये PC बोर्ड है, ये अभी हम चेंज करेंगे। मैंने इसके लिए नया PC बोर्ड लाया है, ये इसका PC बोर्ड है, ये अभी मैं लगाऊंगा और इसके बाद आप लोगों को दिखाऊंगा कि ये मसला हल हुआ कि नहीं। हमारे साथ रहिए। अच्छा, ये इसका नया PC बोर्ड है, ये देखे ये मैंने लाए, मैं अभी ये लगा देता हूँ, तो आप लोगों को दिखाता हूँ कि इसके बाद वॉशिंग मशीन ठीक हुआ कि नहीं। हमारे साथ रहिए, मैं भी आपको दिखाता हूँ। ओके जी, अभी मैंने नया अंदर फिक्स कर दिया, ये पुराना वाला जो ख़राब है ये है, अभी मैं ये नया फिक्स कर दिया अंदर। ये मैं इसके जेक लगा रहा हूँ, ये देखे आसान है, नीचे लगता है इस तरह, जेक लगा के, सिर्फ जेक इसका ये लगा के। अभी मैं आप लोगों को चेक कर देता हूँ, ये मैंने चेंज कर दिया, ये देखे मैं अभी ऑन कर देता हूँ इसको आपके सामने। ये ऑन, ये स्टार्ट, ये देखे अभी ये देखे इसका फुल घूमना स्टार्ट हो गया। मसला सिर्फ इस PC बोर्ड का था, PC बोर्ड मैंने चेंज कर दिया। ये PC बोर्ड मैंने चेंज कर दिया, नया PC बोर्ड लगा दिया। देखो ये अभी देखो ये 38 पे आ गया, ये पानी लेना स्टार्ट कर दिया,
इसका मतलब है कि ये पीसी बोर्ड बिल्कुल सही काम कर रहा है। जो पहले वाला था वो ख़राब था, ये वाला ये काम नहीं कर रहा था, तो इस वजह से मैंने चेंज कर दिया, नया लगा दिया। तो अभी पानी लेना स्टार्ट कर दिया, मैं स्पैन भी दिखाऊंगा आप लोगों को। स्पैन चेक कर देते हैं, अभी ऑफ कर देता हूँ स्पैन सेलेक्ट। अभी मैं आप लोगों को स्पैन सेलेक्ट कर देता हूँ। ये देख के मैंने स्पैन सेलेक्ट कर दिया, अभी दिखा देता हूँ आप लोगों को। पहले कुछ भी काम नहीं कर रहा था, ना स्पैन ना वाश, कुछ भी नहीं कर रहा था, सिर्फ एफ सी एरर दे रहा था। अभी देखिए इसका स्पैन, थोड़ी देर में ये अभी देखो ये स्टार्ट हो गया स्पैन। सारा मसला सिर्फ इस पीसी बोर्ड का था और पीसी बोर्ड हमने चेंज कर दिया, तो आपका मसला भी इसी तरह हल हो सकता है, आप लोग भी इस तरह कर सकते हैं। अभी देखिए ये कंप्लीट स्पैन स्टार्ट करेगा, अभी देख लिया, अभी स्पीड लेना स्टार्ट कर दिया। देखो अभी सही इसने प्रोसेस स्टार्ट कर दिया स्पैन। अभी देखिए ये स्पैन बिल्कुल सही चल रहा है, ये स्पैन भी सही हो रहा है, इसका मसला हल हो गया। अभी देखिए जी चार पे आ गया मशीन रिपेयर वाला। हाँ मैं इंडिया में नहीं, मैं मलेशिया में हूँ। अभी देखिए ये चार पे आ गया और इसका स्पीड भी देखो, अभी सब कुछ इसका ठीक हो गया, किसी चीज़ में भी मसला नहीं है। इसका स्पिन भी देखे बिल्कुल A1 है। अभी हमने ये सब कुछ इसका, सिर्फ मसला इसका पीसी बोर्ड का था, पीसी बोर्ड हमने चेंज कर दिया, तो अभी ये देख के बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है। इसका स्पिन देखो कोई मसला नहीं है, सिर्फ मसला पीसी बोर्ड का था, इसकी वजह से ये FC एरर दे रहा था। ये मसला भी ख़त्म हो गया नहीं पीसी बोर्ड लगाने से, ये अभी बिल्कुल कंफर्म हो गया, 100% कंफर्म हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक चल रहा है। अभी देखे किसी भी चीज़ में मसला नहीं है। ओके अभी इजाज़त दीजिए हमको, नेक्स्ट वीडियो तक, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।